क्लास 3 4 5 में दिख रहा है सबको, क्लास 3 4 5 में हम एक चीज करते हैं, उसका प्री असेसमेंट करते हैं, ठीक है। लेसन शुरू करने से पहले हम प्री असेसमेंट करते हैं, जिसको हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी बोलते थे, है ना। याद है जब हम लोग लेसन प्लान्स बनाते थे, सबसे पहले होता था पीकेटी, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, ठीक है। ये उसी तरीके से ही है, प्रीवियस प्री असेसमेंट क्लास 3 4 5 में होगी, क्लास 1 और 2 में ये नहीं करते हम। क्लियर है इतना? प्री असेसमेंट करने के क्या बेनिफिट है कि हम अपने बच्चों के लर्निंग लेवल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो बच्चा है क्लास 3 में कहाँ स्टैंड करता है, क्लास 4 में बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। यदि क्लास 3 से क्लास 4 में बच्चे आए हैं और हम प्री असेसमेंट कर रहे हैं, प्री असेसमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि क्लास 4 में हमें ये ज्ञात हो जाता है कि उसको क्लास 3 की कितनी कॉम्पिटेंसीज आती है। क्लास 5 में जब बच्चा पहुँचता है तो हम प्री असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि उसको क्लास 4 के कितने स्किल्स आते हैं, ठीक है। तो जब हम प्री असेसमेंट कर लेते हैं तो हम क्या डिटरमिन करते हैं, लर्निंग लेवल्स। इस लर्निंग लेवल्स के बेस पे हम दो तरह के लर्नर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं लेवल 1 लर्नर्स, लेवल 2 लर्नर्स। प्लीज ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है जब हम एलपी करेंगे, लेवल 1 लर्नर्स और लेवल 2 लर्नर्स। लेवल 1 लर्नर्स वो लर्नर्स हैं जो थोड़े पीछे रह गए, जो थोड़े पीछे रह गए हैं, इसका मतलब वो बच्चे हैं जो क्लास 3 में उनको 1 और 2 की कॉम्पिटेंसीज स्किल्स नहीं आते हैं ठीक से, दे आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। लेकिन लेवल 2 के वो लर्नर्स हैं जिनको आते हैं। तो हमारा एलएपी में कहाँ फोकस होगा, ये जो लेवल 1 के लर्नर्स हैं जिनको नहीं आता, हमारा फोकस लेवल 1 के बच्चों पे होगा।